हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सेक्टर लीडर के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है जो मैंने कल डाली थी, तो आप इसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने टाइटन और वरुण बेवरेजेस के नए बाइंग लेवल्स बताए हैं आपको। और अगर आप ऐसे स्टॉक्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा और क्लोज आना चाहते हैं चैनल के तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मारुति सुजुकी। अपने सेक्टर का लीडर है और बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,73,000 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। डिविडेंड यील्ड है 1.04% की, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको और मंदे रेटों में खरीदेंगे तो आपको ये डिविडेंड यील्ड और अच्छी मिलेगी। इंडस्ट्री की पी है 33 और ये सेक्टर लीडर होने के बावजूद आपको बहुत ही रीजनेबल पी पे मिल रहा है, इंडस्ट्री की पी से भी कम पी पे मिल रहा है। लेकिन डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी थोड़ी सी कम हुई है, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 18% की डिलीवरी हुई है। अब भाई इसकी बैलेंस शीट पर नजर डालें तो 48,000 करोड़ के शेयर होल्डर्स फंड हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखें तो 0 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, डेट फ्री कंपनी है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो रेवेन्यू यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़े थे, लेकिन उसके बाद 2020 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो 2017 से 18 में बढ़ोतरी थी, उसके बाद तो भाई ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन चल रहा था, तो थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद थोड़ा सा इनके ऊपर लॉकडाउन और COVID-19 का इफेक्ट भी पड़ा है। अगर इसको इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो पिछले 5 सालों में भाई जो रेवेन्यू बढ़ा है वो ईयरली 14.49% से बढ़ा है, लेकिन अगर इंडस्ट्री का एवरेज देखें तो इंडस्ट्री का एवरेज जस्ट आधा है, 7.27%। अगर बात करें मार्केट शेयर की तो पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर 12.6% से बढ़कर के हो गया है 17.5%। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी कंपनीज हैं ऑटो सेक्टर में, उसमें से 17 से 18% का मार्केट शेयर है मारुति सुजुकी के पास। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कंपनी ने अप्रैल 2020 में 0 सेल्स की थी, क्योंकि सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज क्लोज थी और भाई लोग भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, भाई 13,000 यूनिट्स कंपनी ने मई में ऑलरेडी बेच दी हैं। और भाई कंपनी नए नए तरीके अपना रही है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आजकल लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ही चलना पसंद कर रहे हैं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना चाहता है, सब चाहते हैं कि उनके पास अपना पर्सनल व्हीकल हो। और इसी के लिए मारुति सुजुकी ने भाई लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम चालू किया है, जिससे कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 56% की, स्ट्रांग होल्डिंग है प्रमोटर्स की। म्यूचुअल फंड्स के पास है 7%, DIIs के पास है 16.7%, FIIs की होल्डिंग है 21.63% और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है सिर्फ 5.4%। अगर बात करें कि भाई प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर्स में कैसे चेंज हुई है, तो आपको दिखेगा थोड़ी सी यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी ही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात करें कि म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कैसे चेंज हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। इसमें 4.8 से बढ़ा करके कर दी थी 6% और 6% से बढ़ा करके पिछले क्वार्टर में कर दी है 7.06%। अगर बात करें DIIs की, तो DIIs तो भाई कंटिन्यूअसली इसमें अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 13.43% से बढ़ा करके कर दी है 16.7% और मार्च में उन्होंने भी भाई सस्ते रेटों पे माल उठाया है। अगर बात करें FIIs की, तो भाई FIIs ने थोड़ा सा पैसा निकाला है इंडिया से मार्च में, और इसमें भी आपको FIIs की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट दिखेगी। अगर बात करें के रिटर्न्स की, तो 1 साल में आपको दिए हैं -11% के रिटर्न्स, कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी मार्केट गिरी हुई है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपको दिए हैं 44% के रिटर्न्स। आप देख सकते हैं कि भाई 2018 के बाद से इसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है, अदरवाइज उससे पहले तो बहुत शानदार रिटर्न्स इसने दिए थे। आप देख सकते हैं कि लो लगाया था 3193 का और हाई देखिए एक बार इसका 9996, 10,000 रुपए का ये स्टॉक है, और भाई लो और हाई में देखेंगे तो 3 टाइम्स का फर्क है। तो आप अगर ऐसे फॉल्स में लेंगे तब आपको मजा आएगा। आप देख सकते हैं कि ऐसे फॉल के बाद इसने क्या बनाया था आपके पैसे को, और दोबारा से ऐसा फॉल आपको नजर आ रहा है। अब इसको चार्ट पे देखते हैं, तो आप इसमें देखेंगे जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी तो ये 4,000 के आसपास तक गया था, सिर्फ 1-2 दिन वहां पे रहा था, उसके बाद ये स्टॉक काफी तेजी से भाग गया था क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ते में मिल रहा था। 10,000 का स्टॉक आपको 4,000 रुपए में मिल रहा था और लोगों ने इसको भर भर के खरीदा। MACD ने भी यहाँ पे बाय सिग्नल दिया था और उसके बाद कोई भी इसमें सेल सिग्नल नहीं आया है, कन्विंसिंग सेल सिग्नल नहीं आया है। यहाँ पे थोड़ा सा आया था लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर कर गया, यहाँ पे थोड़ा सा आया था लेकिन ये भी कन्विंसिंग नहीं था और बहुत जल्दी से रिकवर कर गया। RSI आप देखेंगे तो RSI लगातार स्ट्रॉन्ग चल रही है, कहीं पे भी इसमें कोई वीकनेस नजर नहीं आई है। तो
तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट कर चुका है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। और अगर इसमें आपको कोई भी गिरावट मिलती है, जैसे कि अभी तो ये अपने 20 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर खड़ा है और यहाँ पे आप अगर देखें एमएसईडी थोड़ा सा सेल सिग्नल दे रहा है अभी, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जो सिग्नल लाइन है और एमएसईडी की लाइन है उसके बीच में एंगल बहुत कम है। तो अगर इसमें एक और बियरिश कैंडल बनती है तो इसमें थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाएगा और फिर थोड़ी सी आरएसआई भी वीक हो जाएगी, और अगर होती है तो आपको इसमें फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर दोस्तों इसमें आपको थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिलती है, अगर ये मिलता है आपको इस रेंज में जो कि है 5000 की आसपास की रेंज, अगर ये मिलता है आपको 5000 से 5100 के बीच में, तो भाई आप इसको लपक सकते हैं। और अगर दोस्तों आप ऑटो सेक्टर में बुलिश हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जगह मांगता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों एक जीटीटी तो इसके बीच में बनता है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप ऑटो सेक्टर में बुलिश नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑटो सेक्टर में बुलिश हैं तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा रहेगा इस प्राइस पे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप स्टॉक्स और उनके लेवल्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा क्लोज आना चाहते हैं चैनल के तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।